आज हम पीरियड ग्रुप और ब्लॉक किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं गिवन एलिमेंट का, वो सीखेंगे। उसका ट्रिक ये है, देखिए मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, आप देखिए मैक्सिमम क्वांटम नंबर इसका कौन सा है, 3। तो जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर आएगा वो उसका पीरियड होगा। तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, तो वो उसके पीरियड के इक्वल होगा। तो ये पीरियड कौन सा, थर्ड पीरियड है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में, एस सब शेल में किया। तो इसका जो हमारे पास ब्लॉक आएगा एस। उसके बाद ज़्यादातर ग्रुप में ट्रिक काम आएगा ये वाला, क्योंकि ऐसे तो देखने में पता लग जाएगा, ग्रुप में थोड़ा सा आपने देखना है। अगर कभी एस ब्लॉक का एलिमेंट आ जाए आपके पास, एक बार फाइनलाइज हो गया कि एस ब्लॉक है, तो आपने इसके एस में जो लास्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो ही देखना है, वो इसका ग्रुप नंबर है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है। तो एक तो ये हमने इस तरह से कर लिया सोडियम का। तो अगर हम कोई एक और एलिमेंट लेंगे जो पी ब्लॉक में बिलोंग करे, कैसे, देखिए अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे, सपोज करिए हम लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो इसमें मैक्सिमम, जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है ये देखिए 2 है, तो इसका पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड। इसका ब्लॉक क्या आएगा, लास्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, पी में, तो ये पी ब्लॉक आ जाएगा इसका। अब ग्रुप में क्या ट्रिक लगाना है, एक बार हमें पता लग गया कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आपने जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाए, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्लस 10 आपने ऐड कर देना अपनी तरफ से, तो इसका ग्रुप आ जाएगा 16th ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमने ऑक्सीजन के लिए निकाल लिया। तो आगे हम करने जा रहे हैं, जैसे डी ब्लॉक का कोई हमारे पास आ जाए तो डी ब्लॉक का किस तरह से करेंगे, देखिए मैं एग्जांपल लूँगा इधर आयरन की, आयरन एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। अब इसमें मैक्सिमम क्वांटम नंबर आप देखें जो हमें पीरियड देगा, तो ये है 4, तो इसका फोर्थ पीरियड है। उसके बाद ब्लॉक, लास्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, आप इन दोनों की एनर्जी देखें तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू आफ्बो प्रिंसिपल ये वाला ऑर्बिटल लेटर 4s के बाद भरा गया होगा। इट मीन जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला लास्टली फिल्ड वो d में जाएगा, तो इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक। इट मीन्स ये ट्रांजिशनल एलिमेंट है। अब इसमें ग्रुप का ट्रिक कौन सा है, ग्रुप का ट्रिक देखिए आपने करना क्या है, जो हमारे पास ये लास्टली फिल्ड ऑर्बिटल है डी में, इसमें आपने 2+ करने हैं। लास्टली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 6 हैं, तो इसमें आपने अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, ये 2 ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आपने 10 ऐड किया, उसी तरह इसमें 2 ऐड करना है, तो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा, 8th ग्रुप। अब कई बार देखिए क्रोमियम और कॉपर जैसे, क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं लेनी, क्रोमियम की आपने रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ऑल दो मुझे ये पता है कि ये एप्लीकेबल जो है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा क्रोमियम, बट
जब कभी भी आपने पीरियड ब्लॉक और ग्रुप निकालना है क्रोमियम और कॉपर का, या जो दो और एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, पैलेडियम और गैडोलीनियम, उनमें आपने रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ना कि एक्सेप्शनल। अब इसमें देखिए, ये रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है जो एक्सपेक्टेड है, इसमें पीरियड देखिए, पीरियड मैक्सिमम क्वांटम नंबर 4 है, ये फोर्थ पीरियड है, इसमें फोर्थ पीरियड आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉक की, तो लास्टली फिल्ड इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, डी में, तो ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक आ गया। और आखिर में हम करेंगे ग्रुप, ग्रुप में मैंने आपको बताया जो डी ऑर्बिटल के हमारे पास एलिमेंट्स है उनमें आपने क्या करना है, जो लास्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आपने 2+ कर देना। जैसे यहाँ पे 4 है, 4+2, टोटल इसका ग्रुप कौन सा आ गया, 6। तो इस तरह से आपने चलना है। एस में आपने जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वही आपने ग्रुप डिसाइड कर देना है। पी ब्लॉक में 10 ऐड करने हैं आपने और डी में 2 ऐड करने हैं। तो ये आज का ट्रिक रहा है पीरियड ब्लॉक और ग्रुप निकालने का।